5 मई को चंद्र ग्रहण, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, साल 2023 का प्रथम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो बैसाख महीने की पूर्णिमा को रहेगा। इस ग्रहण के दौरान बहुत सारी घटनाएं होंगी, तो वहीं सूर्य चंद्रमा बुध राहु की युति भी बनेगी। ये चंद्र ग्रहण काफी भयंकर और काफी लंबा चंद्र ग्रहण रहने वाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 5 मई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालने वाला है, परंतु सभी राशियों में से 6 राशियां ऐसी हैं जो काफी ज्यादा भाग्यशाली हैं। उनको करोड़ों का धन मिलने वाला है, वो धन से मालामाल होने वाली हैं। दोस्तों, इस ग्रहण के प्रभाव से देश में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जैसे तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। दोस्तों, 5 मई 2023 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण, इसका सही समय और सूतक काल, इसके अलावा कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेंगी, किस प्रकार का प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही भारत के किस हिस्से में दिखाई देगा और किस किस देश में दिखाई देगा, ग्रहण काल का सूतक काल और ग्रहण के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही उन शुभ कार्यों के बारे में भी हम आपको बताएंगे जिसको आपको ग्रहण के दौरान आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा, और दोस्तों, जीवन में चली आ रही परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, 5 मई 2023 को साल 2023 का लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण ये बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को रहेगा। कृपया करके दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और आपसे विनम्र निवेदन है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, और इसका प्रभाव भारत के साथ साथ कई देशों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, इसके सूतक काल के दरमियान कई नियमों का पालन भी करना चाहिए, और ग्रहण काल के प्रभाव से कई राशियों पर इसका शुभ असर देखने को मिलता है, तो कई राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुछ राशियां धन से मालामाल बन जाती हैं, तो कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। साल 2023 का लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण ये स्वाति नक्षत्र यानी के बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा, और ये तुला राशि में रहेगा। तो तुला राशि के जातकों को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये तुला राशि में इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और विशाखा नक्षत्र के व्यक्तियों को भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए आइए जान लेते हैं किस किस देश में दिखाई देगा। दोस्तों, इसका असर भारत समेत दक्षिणी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर के साथ साथ अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। यूरोप के कुछ हिस्सों में और अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। दोस्तों, साल 2023 का लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण, इसके समय की शुरुआत की अगर बात करें तो ये 5 मई को रात्रि में 5 मई को रात्रि 8:45 से इसकी शुरुआत हो जाएगी इस चंद्र ग्रहण की, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति का जो समय होगा ये 8 मई को रात्रि 1 बजे यानी लगभग 4 घंटे 15 मिनट इस चंद्र ग्रहण की अवधि होगी। सूतक काल चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही लग जाता है, तो चंद्र ग्रहण लगने से पहले 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल 5 मई को दोपहर 11:45 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और यह समाप्त हो जाएगा 5 मई को, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा रात्रि 1 बजे, तो सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस दरमियान कोई भी शुभ कार्य ना करें, पूजा पाठ ना करें, मंदिर के कपाट वगैरह सब बंद कर दें, बड़े बूढ़े बुजुर्ग को छोड़कर कोई भी भोजन नहीं करें, ना ही खाना बनाएं और ना ही खाना पकाएं, और ना ही खाना यानी अपने घर में बचे रहने दें। अगर कोई बचा है तो तुलसी दल उसमें रख दीजिएगा। सूतक काल और ग्रहण काल के समय किसी भी प्रकार के, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, चाकू, सुई, सब्जी, फल आदि काटना वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को बहुत ही विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रहण काल के दरमियान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दरमियान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, और साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें,
ओम चंद्र देवान में इस मंत्र का जाप करें, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें, क्योंकि दोस्तों साल 2023 का लगने वाला ये पहला चंद्र ग्रहण, इसका सभी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों चाहे पुरुष हों या फिर महिलाएं हों, खासकर ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, लड़ाई झगड़े से भी दूरी बनाए रखें। ग्रहण के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करें, उनकी सहायता करें, और साथ ही आप ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य ना करें, पूजा पाठ ना करें, देवी देवताओं की मूर्ति को ना छुएं, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। साथ ही बता दें कि आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं अगर पहले से ही आपने तोड़ के रखा है। दोस्तों साल 2023 में लगने वाला यह पहला चंद्र ग्रहण आपके जीवन में काफी ज्यादा इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। पैसे से जुड़े, धन से जुड़े कोई भी समस्या है उससे छुटकारा भी दिला सकता है, परंतु ये हमारे देश के साथ साथ कई देशों के लिए अच्छा प्रभाव नहीं डालने वाला, बुरा प्रभाव डालेगा। अशुभ प्रभाव भी इकट्ठा कर रहा है, कई प्रकार की मुसीबतें हमारे देश के साथ साथ कई देशों में ला रहा है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी वो 6 राशियां हैं जो इस बार के चंद्र ग्रहण में करोड़पति बनने वाली हैं, जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण काफी शुभ रहने वाला है, जिनके भाग्य सातवें आसमान पर रहने वाले हैं। दोस्तों इन 6 राशियों के साथ साथ कई राशियों को सावधानी भी बरतने की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले खुशनसीब और भाग्यशाली राशि है जिसका इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा, जिसके ऊपर वो है पहली राशि दोस्तों मेष राशि। मेष राशि का तो बता दें कि नए अवसर मिलेंगे, किसी जॉब के लिए किए गए प्रयास आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा, समाज में मान सम्मान के साथ साथ आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति, लोकप्रियता हासिल होगी, आपके प्रति उल्लास मिलेंगे, बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे, सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ होगा, धन संपत्ति में लाभ होगा। अगर आपने कहीं पर निवेश करने के सोच रहे हैं तो इस चंद्र ग्रहण के दरमियान निवेश करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आपकी जो कोशिशें होंगी, मेहनत होगी, वो आपको यानी कि सफलता दिलाएगी, कई बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है और आपको यानी कि बेहतर अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा, धन के अचानक नए स्रोत आएंगे और एक नहीं कई धन के स्रोत नजर आएंगे। बता दें कि इसमें विदेश से धन आएगा, जीवन साथी से लाभ होगा, जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी, प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे, कई बड़े अवसर प्राप्त होंगे। अगली जो राशि है, दूसरी जो खुशनसीब भाग्यशाली राशि, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को बता दें कि इस बार का यह चंद्र ग्रहण आपके लिए काफी लकी रहेगा, भाग्य में वृद्धि कराएगा, कई बड़े अवसर प्राप्त होंगे, आपके जीवन की चली आ रही परेशानियां दूर होगी। बता दें कि आपके लिए बड़े सौभाग्यशाली दिन रहेगा ये दिन, और साथ ही साथ कोई बड़ा शुभ समाचार मिलेगा, बड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, आपका भाग्य हर काम में आपका साथ देगा, इसलिए आप जो भी बड़ा काम करेंगे, चाहे व्यापार की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको इसमें उसमें शुभ समाचार मिलेंगे, पत पत्नी के वे संबंध मधुर बने रहेंगे, भाग्यशाली रहेगा ये यानी चंद्र ग्रहण आपके लिए, कई कार्यों में लाभ होगा, कई कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति के तौर पर देखा जाए तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ साबित रहेगा। अब तीसरी जो राशि आती है अगली, वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि का कहूँ आपके संबंध यानी कि काफी बेहतर होंगे, कोई बड़ी परेशानी थी, प्रॉब्लम थी तो वो दूर होगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी और साथ ही साथ कार्यस्थल पर चल रहे विवाद भी खत्म होंगे। बता दें कि इसमें कोर्ट कचहरी के मामले में लाभ होगा, प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा, वित्तीय मामलों में लाभ होगा, अगर किसी के साथ मनमुटाव चल रहा था तो दूर होता नजर आएगा, कई बड़े कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करेंगे और इसमें कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी, जीवन साथी से संतान की प्राप्ति होगी और विरोधियों को मात दे पाएंगे। साथ ही साथ बता दें कि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और बैंक क्षेत्र से लोन वगैरह मंजूर हो सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए काफी शुभ रहेगा, सौभाग्यशाली रहेंगे, आपका भाग्य सूर्य के समान चमकाएगा जो जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि प्राप्त कराएगा। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दें, वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि यह चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, भाग्यशाली रहेगा, कई बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, आपके स्वभाव में भी बदलाव के संकेत मिलेंगे, आपका व्यवहार शांत और सौम्य बना रहेगा, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, सफलता मिलने के बाद भी आप गर्व नहीं करेंगे, सभी को सम्मान देंगे, आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव देखने को मिलेगा, आपका मन ईश्वर के सानिध्य में लगा रहेगा, आपके द्वारा धार्मिक कार्य भी किए जाएंगे जिससे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आर्थिक रूप से आपके लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। और बता दें कि अब आप की अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश खत्म होगी और एक बेहतर अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी और कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना की जाएगी,
किसी महिला मित्र से सहायता हो सकती है, आपको बड़े प्रोजेक्ट में फायदा हो सकता है। अगली जो राशि आती है वो है मीन राशि। मीन राशि को ये चंद्र ग्रहण आपके लिए अच्छा रहेगा। नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि के कारण समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। एक विचार पर सहमत न बनने के कारण थोड़ा सा क्लेश हो सकता है और थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव होने के कारण किसी कार्य में नुकसान भी उठा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चिड़चिड़ापन हो सकता है। शुभ यात्रा कर सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। कार्यस्थल पर तेजी देखने को मिलेगी और आप अपने काम को पूरा करने का लक्ष्य भी बना सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय काफी अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए काफी बहुत बड़ा अच्छा रहेगा चंद्र ग्रहण। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दें, वो है सिंह राशि। सिंह राशि को बता दें कि इस समय आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और साथ ही साथ समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कई बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे। साथ ही नए घर जमीन प्रॉपर्टी की खरीदारी करेंगे। जमीन प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी अगर नहीं बेच पा रहे थे तो उसे बेच पाएंगे। साथ ही बता दें कि इस समय कर्क राशि को आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको कोई भी नया फैसला लेने से बचना होगा, नया डिसीजन लेने से बचना होगा, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें धनुराशि के जातकों, तो आपको भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। लेन देन के मामले में सावधानी जरूर बरतें। तो दोस्तों इस बार के चंद्र ग्रहण में चार ग्रहों की युति बन रही है। सूर्य, बुध और देव गुरु बृहस्पति राहु चार ग्रहों की युति भी बन रही है, जो कई प्रकार के राजयोग और धनयोग का निर्माण कर रही है। तो इन राशियों के लिए इनके भाग में वृद्धि भी करा रहे हैं। अब इनके बने यानी कि इन्हें बिना जॉब और नौकरी किए हुए और व्यापार किए हुए भी बड़े धन लाभ की योग बन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे अवसर इन राशियों को मिलने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय चंद्रदेवाय।